नमस्कार, ghamasan.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंदौर दौरे की। कल प्रधानमंत्री इंदौर में थे, उन्होंने दशहरा मैदान में एक आम सभा ली। उस आम सभा में उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार फिर से मोदी सरकार को जिताए। उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए और कांग्रेस पर हमले भी किए। उन्होंने इंदौर के लोगों की तारीफ की, इंदौर की प्रशंसा की, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने दाई की प्रशंसा की। दाई के बारे में उन्होंने जो बातें कही वो बेहद दिलचस्प थी। मसलन उन्होंने कहा कि दाई के पास अब पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश के भाजपा प्रत्याशियों को दाई को जिताना है। उन्होंने यह भी कहा कि दाई उन्हें डांटने का अधिकार रखती है। प्रधानमंत्री के मुंह से सभी को यह सुनकर अच्छा लगा कि इंदौर की दाई प्रधानमंत्री को डांटने की भी ताकत रखती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे ताई की डांट सुनकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उन्होंने ताई से यह भी कहा कि ताई मुझे भूख लगी है, आप खाना लाए क्या? इस पर ताई ने कहा कि वे सुरक्षा कारणों से खाना लेकर नहीं आई हैं, लेकिन उन्होंने घर पर अपने पुत्र मंदार महाजन को फोन किया और उनसे कहा कि खाना बनवाओ प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, और खाना उसके बाद पैक होकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से रवाना हुए तो खाना उन तक पहुंच चुका था। कुल मिलाकर यह बताता है कि किस तरह से ताई और नरेंद्र मोदी के रिश्ते अभी भी बेहद संजीदा हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ताई को इंदौर से उम्मीदवार नहीं बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का जो उम्र का क्राइटेरिया है कि 75 के पार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देगी, वो नई जनरेशन को, नए लोगों को आगे ला रही है, उसी के तहत ताई का टिकट इस बार काटा गया है। लेकिन ताई इंदौर की 8 बार की सांसद रही हैं, लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ताई इंदौर की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन पूरा दिया है उसको लेकर यही उम्मीद की जा रही थी कि ताई अगर इंदौर का चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शंकर ललवानी को मौका दिया है। शंकर ललवानी भी युवा उम्मीदवार हैं और वे इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष चले चुके हैं। इंदौर की राजनीति में सक्रिय हैं, भारतीय जनता पार्टी के जाने माने चेहरे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते रहते हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का यह दौरा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने इंदौर में आकर जो बातें कही वे बेहद सारगर्भित थी। उन्होंने इंदौर के लोगों की इस बात के लिए भी तारीफ की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता का नारा दिया था उसको लेकर इंदौर के लोगों ने लगातार 3 बार इंदौर को नंबर 1 बनाया। इस बात को लेकर भी नरेंद्र मोदी बेहद खुश दिखे। उन्होंने इस बात की भी तारीफ की कि बगैर किसी घोषणा के, बगैर किसी औपचारिकता के उनका रोड शो हो गया। उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सड़कों पर मौजूद थे। सभी का नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का यह दौरा भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए ghamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।